हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ छोले। तो छोले की रेसिपी देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, और आपको रेसिपी पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को ज़रूर से दबाएं, ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो डालूँ उसका मैसेज आपको मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले। छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ और इनको उबाल के तैयार कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक कटोरी जितने छोले लिए थे, और इनको अच्छे से 3-4 सीटी तक उबाल के अच्छे से भिगो के तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने ली है 2 हरी मिर्ची, जिनको कट कर ली है, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 2-3 कली जितनी लहसुन की कलियाँ जिनको काट के कर लिया है, 2 लौंग, 2 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची जिनको भी मैंने कूट लिया है, तेज पत्ता और प्याज, 2 मीडियम साइज के प्याज जिनको मैंने कट कर लिया है, और थोड़ी सी ली है यहाँ पे पान मेथी, और 3 टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया है, और थोड़ी सी हम लेंगे हींग और गरम मसाला। और छोला बनाने की करते हैं हम तैयारी। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, और इसके अंदर डालते हैं तेल। तो कढ़ाई के अंदर डालते हैं तेल, 8-7 चम्मच जितना हम इसके अंदर डालते हैं तेल, और तेल को होने देते हैं गरम। और यहाँ पे मैंने 3-4 जितने आंवले लिए हैं, सूखे हुए आंवले, खट्टा मीठा स्वाद देने के लिए। तो तेल है वो हमारा गरम हो चुका है, तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच जितना डाल रही हूँ जीरा, और जीरे को अच्छा चटकने देते हैं, और गैस का फ्लेम कर देते हैं कम, ताकि हमारे मसाले हैं वो बाहर उछले नहीं। तो जीरा है वो अच्छा से चटक गया है, तो मैं इसमें लौंग और काली मिर्च डाल रही हूँ, और अदरक का जो हमने छोटी छोटी कलियाँ ली थी वो, और लहसुन, तेज पत्ता, हरी मिर्ची, आज हम एकदम से आसान और सरल तरीके से छोले है वो बना के तैयार करेंगे। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से बनाना, और रेसिपी आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर से दबाना, ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो डालूँ उसका मैसेज आप सभी को मिल जाए। और हमारे जो मसाले हैं उनको एकदम अच्छे से भूनना है। तो हमारा मसाले हैं वो एकदम अच्छे से भून चुके हैं, और काली मिर्च और इलायची ली थी वो भी इसी के अंदर डाल देते हैं, और प्याज है वो भी इसी के अंदर डाल देते हैं, और अच्छे से इनको करना है फ्राई। और मसाले में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जितनी लाल मिर्ची, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच जितना लिया है नमक, और वो मसाला पकने के बाद हम डालेंगे, और अच्छे से मसाले को सेकना है। प्याज है उनको अच्छे से बढ़िया एकदम फ्राई करने हैं, और इसी के अंदर 1 चिमटी जितनी हम डाल रहे हैं हींग, और पान मेथी, और इनको भी मिक्स कर देना है। और अच्छे से फ्राई करना है, और 2 मिनट में हमारे प्याज और जो मसाले थे वो अच्छे से पक के तैयार हो चुके हैं। तो हमने जो मसाला लिया था, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, वो अच्छे से इसमें मिक्स करते हैं, और अच्छे से इसकी करते हैं सिकाई। अच्छा इनको भूनना है। टमाटर डालने के बाद ये नहीं भुनेंगे, इसलिए इनको पहले ही अच्छे से इनकी सिकाई करनी है। और थोड़ा सा 1 चम्मच जितना डाल रही हूँ मैं गरम मसाला, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है, और अच्छे से इसकी
तेल में सिकाई करनी है। तो मसाला है वो हमारा एकदम से अच्छे से सिक चुका है, फ्राई हो चुका है। तो अब हमने जो टमाटर का पेस्ट लिया था वो इसके अंदर डालते हैं और पेस्ट को अच्छे से पकाते हैं। बराबर से इसको मिक्स कर देना है और अच्छे से इसकी सिकाई करते हैं। तो हमारा मसाला है वो देखो अच्छे से भुन रहा है। तो अच्छे से हमें मसाले को भूनना है, अच्छे से इसको फ्राई करना है। ग्रेवी है वो एकदम से बढ़िया तैयार करनी है। आज हम एकदम से सरल तरीके से छोला बनाएंगे, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, एकदम से सिंपल सी रेसिपी के साथ। और ये देखो मसाला है वो एकदम से बढ़िया भून चुका है, मसाले के अंदर जाली आने लग गई है। और ये देखो एकदम से बढ़िया हमारा जो मसाला है वो तैयार है। और जो मैंने यहाँ पे दो तीन जितने आंवले लिए थे वो भी इसी के अंदर डाल देते हैं और इसके अंदर अच्छा खट्टा स्वाद आएगा, खट्टा मीठा स्वाद है वो आएगा। और मसाला है हमारा वो एकदम से तैयार है, तो जो हमने छोले लिए थे वो इसी के अंदर डाल देते हैं और अच्छे से करते हैं मिक्स। और मसाले के अंदर उबाल आने देते हैं। तो छोले हैं वो एकदम से अच्छे रेस्टोरेंट स्टाइल बनके हमारे तैयार हो चुके हैं। तो मैं गैस का फ्लेम कर रही हूँ बंद, और आप इसे पूड़ी नान भटूरे किसी के भी साथ खा सकते हो, एकदम से अच्छे और स्वादिष्ट बनके तैयार है। और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इस पे हरा धनिया, जिससे खाने का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है और हमारा हलवाई स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम से अच्छे छोले बनके तैयार हैं।